सवाल नंबर फर्स्ट है, किस जीव की आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा शुतुरमुर्ग की। सवाल नंबर दो, किस देश में सबसे पहले प्लास्टिक का नोट जारी किया था? सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। सवाल नंबर तीन, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा भूटान देश में। सवाल नंबर चार, पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सही जवाब हो जाएगा चकोर। सवाल नंबर पांच, पेड़ पर लगने वाला सबसे बड़ा फल कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा कटहल। सवाल नंबर छह, भारत के किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम रहते हैं? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य में। सवाल नंबर सात, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ताजमहल। सवाल नंबर आठ, भारत पर सबसे पहले कौन सा जानवर गया था? सही जवाब हो जाएगा कुत्ता। सवाल नंबर नौ, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1911 में। सवाल नंबर 10, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? सही जवाब हो जाएगा अकबर ने। सवाल नंबर 11, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। सवाल नंबर 12, कौन सा जानवर अपना सारा काम नाक से करता है? सही जवाब हो जाएगा हाथी। सवाल नंबर 13, किस होटल में बचा हुआ खाना फेंकना गैरकानूनी माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा फ्रांस में। सवाल नंबर 14, पढ़ने वाला पेपर किस चीज से बनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बांस के पेड़ से। सवाल नंबर 15, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? सही जवाब हो जाएगा चीन देश में। सवाल नंबर 16, भारत कितने वर्षों तक गुलाम रहा था अंग्रेजों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 वर्षों तक। सवाल नंबर 17, भारत में रेलगाड़ी
के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपूरथला में। सवाल नंबर 18, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पीना आरंभ किया था? सही जवाब हो जाएगा बकरी का। सवाल नंबर 19, भारत के कौन से प्रधानमंत्री कभी विदेश नहीं गए हैं? सही जवाब हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। सवाल नंबर 20, कौन सा पक्षी पोस्टमैन की तरह काम करता है? सही जवाब हो जाएगा कबूतर। किस जानवर का दूध गुलाबी रंग का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिप्पो जानवर का। सवाल नंबर 2, कौन सा फूल 12 साल में एक बार खिलता है? सही जवाब हो जाएगा नील कुरंजी का। सवाल नंबर 3, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सवाल नंबर 4, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? सही जवाब हो जाएगा ब्लड वुड ट्री का। सवाल नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सब्जी क्या है? सही जवाब हो जाएगा कद्दू। सवाल नंबर 6, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। सवाल नंबर 7, भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस किस राज्य में आया था? सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य में। सवाल नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? सही जवाब हो जाएगा धोती कुर्ता। सवाल नंबर 9, केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। सवाल नंबर 10, ऐसा कौन सा जीव है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? सही जवाब हो जाएगा टिटोनी नामक पक्षी। सवाल नंबर 11, पीलिया बीमारी होने पर किस फल को खाना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा अनार। सवाल नंबर 12, भारत के किस राज्य में रेलगाड़ी नहीं चलती है? सही जवाब हो जाएगा मेघालय में। सवाल नंबर 13, किस सब्जी का रस पीने से आंखों की रोशनी तेज होती है?
सही जवाब हो जाएगा पालक। सवाल नंबर 14, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। सवाल नंबर 15, क्या आप जानते हैं कि भारत में कब नोटबंदी हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 2016 में। सवाल नंबर 16, किस शहर को अब सपनों का शहर कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा मुंबई को। सवाल नंबर 17, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? सही जवाब हो जाएगा कोलकाता को। सवाल नंबर 18, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ को। सवाल नंबर 19, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। सवाल नंबर 20, ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। सवाल नंबर 21, किस जानवर का आधार कार्ड बनाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा कोआला का। सवाल नंबर 22, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। सवाल नंबर 23, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रांस। सवाल नंबर 24, प्रथम एशिया नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इस वीडियो का लास्ट सवाल है, जिंदा रहने पर दफना दिया जाता है और मर जाने पर निकाल दिया जाता है, बताओ क्या? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा है, तो अगर आप पहले से चैनल पर नए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब ज़रूर पता होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पौधा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन